हाँ जी नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 विषय गणित, इसके अंतर्गत संख्या पद्धति और संख्या पद्धति में हम आज परिमेय और अपरिमेय संख्या को किस प्रकार अलग अलग बता सकते हैं, छांटना भाई ये परिमेय है या अपरिमेय, ये हमारे को बताना है। ठीक है ना, अपने को सवाल पूछ गया कि बताइए हिंद में परिमेय और अपरिमेय संख्या बताइए, उसको हम किस प्रकार बताते हैं इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपके प्रश्नावली है 1.5 और 1.5 में पहले प्रश्न आ रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसके अंदर पहला सवाल है 2 - √5, तो इसके अंदर क्या है कि 2 और √5, 2 तो क्या हो गया इसके अंदर परिमेय और √5 क्या हो गया इसके अंदर अपरिमेय। अगर परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को निकाल देते हैं, घटा देते हैं, तो हमारे पास में क्या बचती है, अपरिमेय संख्या, यही इसका आंसर हो जाएगा। परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाना है, ठीक है, घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, अपरिमेय संख्या। हमने जब प्रश्नावली शुरुआत की उस दौरान हमने परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया था, जो p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय, जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो है परिमेय, परिभाषा लिखी थी अपन ने। ठीक है ना, तो बात वो चीज अपने को ध्यान रखते हुए इसको हल करना है, तो अपने को यहाँ ये ध्यान रखना है 2 क्या इसमें परिमेय और √5 क्या इसमें अपरिमेय, तो परिमेय में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो क्या आ गया अपरिमेय संख्या। इसी तरह से दूसरा है 3 + √23 - √23, ठीक है, कोष्टक है, कोष्टक को अपन खोलेंगे, कोष्टक को खोलेंगे तो 3 + √23 - √23, अब देखो 1+ की और 1- की संख्या एक जैसी है तो कट जाती है, यानी 10√23 में से -√23 कट गई, क्या बच गया 0। ठीक है, 3 में 0 जुड़ेंगे तो 3 के 3, और 3 इसमें क्या हो गई परिमेय संख्या हो गई, केवल 3 परिमेय संख्या, p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ये क्या हो गई इसमें परिमेय हो गई। इसी तरीके से हम तीसरा सवाल देखते हैं 2√7 / √7, ठीक है, √7 से √7 कट गई तो बची क्या हमारे पास में 2/7, अब 2/7 ये क्या इसमें p और ये क्या हो गया इसमें q, p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब परिमेय, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर परिमेय हो जाएगा, यानी 2√7 / √7 क्या हो गया इसमें परिमेय संख्या हो गई। इसी तरीके से 1/√2, अब इसमें 1 क्या है परिमेय है और √2 क्या इसमें है परिमेय है, यानी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग लगाते हैं तो हमारे पास क्या आता है अपरिमेय ही वापस आता है। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग लगाने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, पांचवा है, पांचवे प्रश्न में आ रहा है आपके 2π, ये चिन्ह किसका है पाई का मान अपने को ध्यान में 1.732 या 22/7 बटा ने, ये पाई का निशान है, अब यहाँ पाई है और यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 तो इसमें क्या है परिमेय संख्या है और पाई क्या इसमें है परिमेय संख्या है। अगर अपने को कोई पूछ ले या प्रश्न के रूप में आ जाता है कि पाई इसमें क्या है, पाई क्या है, तो पाई क्या इसके अंदर अपने को ध्यान में रखना है परिमेय संख्या है, पाई क्या है अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर हमारे पास में अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, आगे जाने इसी तरीके से 1.3 है, उसके अंदर प्रश्न संख्या 9 आ रहा है, वहां भी हमारे को परिमेय और अपरिमेय संख्या बतानी है, ये बताने के लिए हम जैसे पहला उदाहरण के रूप में सवाल देते हैं √23 आ रहा है, अब अपन √23 का मान निकालते हैं तो 4.7 ऐसे अनंत तक संख्या चलती है, दशमलव के बाद में संख्या साथ आएगी वो अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया
को मालूम है दशमलव के बाद में संख्या अलग अलग आ रही है, भाग पूरा नहीं है, इसका मतलब है तो वो अशांत है। लेकिन अशांत में कैसी है? हमने पढ़ा था शांत और अशांत दशमलव। शांत का मतलब दशमलव के बाद में लिखना समाप्त हो जाता है, अशांत में दशमलव के बाद में लिखना समाप्त नहीं होता है। लेकिन दशमलव के बाद में लिखना समाप्त तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर इसमें हमने दो बातें पढ़ी थी, अशांत में आवृत्ति और अशांत में अनावृत्ति। अशांत में आवृत्ति में क्या है कि दशमलव के बाद में वही संख्या बार बार एक जैसी रिपीट होती है, लेकिन अशांत अनावृत्ति में दशमलव के बाद में संख्या सारी की सारी अलग अलग होती, रिपीट नहीं होती है। ठीक है, तो अभी हम यहां देख रहे हैं अशांत है ये और अशांत में अनावृत्ति है, और जब अशांत में अनावृत्ति है तो वह अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, इसका दशमलव प्रसार को देखना, दशमलव प्रसार अशांत में अनावृत्ति है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसी तरह से दूसरा सवाल है रूट 225। अब अपन 225 का वर्गमूल निकालते हैं, पूर्णांक रूट में आ जाता है 15। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, पी बटा क्यू के रूप में है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, रूट 225 पूर्णांक रूप में वर्गमूल निकल गया इसका 15, इसके बटे में कुछ नहीं है, ये पी बटा क्यू हो गया, इसका मतलब परिमेय संख्या होगी। इसी तरह से तीसरा सवाल है 0.379। दशमलव के बाद में देखो लिखना समाप्त हो गया, क्या मालूम पड़े लिखना समाप्त हो गया? देखो इसमें दशमलव के बाद में डॉट 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 लगाया क्या? नहीं लगाया। यहाँ देखो दशमलव के बाद में संख्या तो है लेकिन डॉट 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 आ रहा है, इसका मतलब संख्या उड़ भी आई है। यहाँ क्या है कि दशमलव के बाद में देखो डॉट नहीं आ रहा है ना, लेकिन लिखना समाप्त हो गया इसका मतलब, तो लिखना समाप्त हो गया इसका मतलब क्या हो गया? दशमलव के बाद में लिखना समाप्त हो जाता है, इसका मतलब शांत दशमलव होगी, और शांत दशमलव में क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद में लिखना समाप्त हो गया, शांत दशमलव हो गया, तो शांत दशमलव इसमें क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, इसी तरह से चौथा है 7.478478। अब यहाँ क्या है, देखो दशमलव के बाद में लिखना समाप्त नहीं हो रहा है लेकिन संख्या रिपीट आ रही है। ठीक है, अब संख्या रिपीट आ रही है 4, 7, 8, 4, 7, 8, इसका मतलब दशमलव के बाद में लिखना समाप्त तो नहीं हो रहा है लेकिन संख्या रिपीट हो रही है, अशांत होगी, अशांत में आवृत्ति है, जब अशांत में आवृत्ति होती है तो वे क्या है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, शांत और अशांत, अशांत में भी आवृत्ति और अनावृत्ति, ये देखना है। इसके बाद पांचवा हम देखते हैं 1.10, 1.00, 1.000, 1.4, 0, एक चार बार 0, फिर 1 आ। ठीक है, दशमलव के बाद में देखो वापस दो दो टी आ रहा है, लिखना समाप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? है तो अशांत है लेकिन दशमलव के बाद देखो 1.00, 0.00, 3 बार 0, 4 बार 0, संख्या सारी अलग अलग आ। ठीक है, अशांत में क्या हो गई? ये अनावृत्ति होगी, और जब अशांत में अनावृत्ति है तो ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज दो प्रश्न देखे थे, इसमें अपने को परिमेय और अपरिमेय संख्या को छांट करके बताना था। आज हम एसडब्ल्यू के रूप में परिमेय और अपरिमेय संख्या में अंतर लिखेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है उनकी परिभाषा लिखनी है। ठीक है, इसी का अपन आज एसडब्ल्यू की कॉपी में तारीख डालना है और ये प्रश्न को हल करना। ठीक है।